अपोजिशन इतिहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की हुकूमत बनने के कई रोज बाद वफाकी काबीना में शामिल वुजरा ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। वफाकी काबीना में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 14, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 9, जमीयत उलमा इस्लाम JUI के 4, मुतहदा कौमी मूवमेंट के 2, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी से 1 रुकन शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो अहम तरीन मिशन पर लंदन रवाना हो रहे हैं, जहां वो नवाज शरीफ से अहम मुलाकात भी करेंगे। बिलावल भुट्टो रात 12:30 और वफद के अरकान सुबह की फ्लाइट से लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात में होने वाली बातचीत पर जरदारी हाउस में अहम मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द मारा गया। वाकये के हवाले से कहा गया है कि मारा गया दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाईओं में मुसलसल सरगर्म अमल रहे थे। रूस यूक्रेन जंग के 55वें रोज खतरनाक मोड़ आ गया। रूसी फौज ने यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर फजाई हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद रूसी फौज ने यूक्रेनी फौजियों को यूक्रेन के शहर मारियोपोल और अजोस्टाल मेटल जैकल प्लांट छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। हसास अदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने में मुलविस 2 दर्जन अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। FI की 4 खसूसी टीमों ने 11 शहरों से गिरफ्तारियां की। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में मुलविस मुलजमान के खिलाफ दहशतगर्दी कानून के तहत मुकदमा चलाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोजादारों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया। रमजान सस्ते बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 555 से कम करके 400 रुपये मुकर्रर कर दिया गया।